भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय मंत्री डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह को पार्टी प्रमुख द्वारा क्षेत्रीय अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है। पार्टी के इस फैसले से कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के क्षेत्रीय अध्यक्ष बनने की खुशी में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा बुधवार को बेनीगंज स्थित भाजपा कार्यालय में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष जनार्दन तिवारी, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, रमेश सिंह, सत्येंद्र सिन्हा, राधेश्याम श्रीवास्तव सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और अन्य सदस्य मौजूद थे। समारोह के दौरान कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह का माल्यार्पण कर पुष्प गुच्छ उन्हें भेंट किया और उनका अभिनंदन भी किया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाइयां भी दी। समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने पार्टी के कार्यों की सराहना की। इस मौके पर डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो दायित्व तो सौंपा है उसका वह भली भांति पालन करते हुए पार्टी के विकास और विस्तार के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। इस अवसर पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, भारतीय जनता पार्टी की जीत हो ये सब कार्यकर्ता क्यों, ये सीधी पूजी योगी जी से हुई, जन जन से सामान्य से संपर्क करना केंद्र और प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी, केंद्र सरकार के द्वारा जो कार्य हुए हैं उन कार्यो की जानकारी। लोग कहते हैं मेरे पास कोई काम नहीं, मैं काम क्या करूं? आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो आपकी ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है, आपका उत्तरदायित्व है। यदि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उत्तर प्रदेश की और केंद्र की, वो सरकार क्या कर रही है इसकी जानकारी जन सामान्य को दे, ये आपका काम तो मिला है। उस नेतृत्व को साथ लेकर के आप काम करेंगे और जो आज नेतृत्व में सहयोग करने के लिए हम सब लोग प्रयास रहेंगे। महिला सामने तिलक लगा रही थी, मैं स्वामी विवेकानंद जी के उस कोट से बहुत प्रभावित
जिसमें उन्होंने कहा कि समाज में जो बुराइयां है, अराजकता है, समाज में जो जिस प्रकार के संकट है, उन्होंने जिस आध्यात्मिकता को अमेरिका के अंदर, शिकागो के अंदर सिद्ध किया, उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी ने कहा मेरी याद से बहुत अधिक उम्र की कोई महिला है तो उसे माँ के रूप में देखो, मेरी याद से थोड़ी अधिक उम्र की है तो उसे भाभी माँ के रूप में देखो, अगर आपकी याद के बराबर की है तो उसे बहन के रूप में, और अगर आपकी याद से छोटी है तो उसे बेटी के रूप में देखो, समाज में कोई संकट नहीं आ सकता। सचमुच जिस दायित्व का निर्वहन मुझे आज हमारे प्रदेश नेतृत्व में दिया है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व में दिया है, मैं आज में छोटा हूं लेकिन 28 वर्षों से इस विचारधारा में काम कर रहा हूं, 17-10 वर्ष विद्यार्थी परिषद और 18 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के लेवल पर किसी न किसी दायित्व पर आकर के काम कर रहा हूं। मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष के रूप में नहीं बल्कि एक दायित्व के रूप में, दायित्व मेरे ऊपर आया है और आप सबके सहयोग से आशीर्वाद से लेकर के सबको जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति है सामूहिकता और पारस्परिकता की, सबको साथ लेकर के और सबको एक साथ लेकर के काम करने की, तो उसके आधार पर मैं लेकर चलने का प्रयास करूंगा। और मैं आज के अवसर पर अपने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और खुद योगी आदित्यनाथ जी महाराज के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ, उन्होंने मुझे जो दायित्व दिया आप सबके सहयोग से। मैं जो जिस बात का संकेत आदरणीय पाठक जी ने किया, आदरणीय पाठक जी हम सबके अभिभावक है, गोरखपुर क्षेत्र में जो जिलाधिकारी है, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, उन सबको साथ लेकर के मैं आज सुबह अपने घर से 6:30-7 बजे जब निकला, साथ में जो मेरी देवी माता देवी का दर्शन करने गए और मैंने मां से यही माना कि कम आयु में होने के नाते कई बार बातें बातचीत करने में वाणी से बहुत सारे लोगों को कष्ट हो जाता, मैंने कहा कि मेरा दायित्व आया है और मेरी वाणी से किसी को कष्ट ना हो, सबको साथ लेकर के चलने की शक्ति दीजिएगा और उस शक्ति के आधार पर मैं भारतीय जनता पार्टी की भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर में जो हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष उपेंद्र दत्त शुक्ल जी ने जो जिस पावर को लेकर गए हैं, बहुत संघर्षशील युद्धालु व्यक्तित्व के धनी हैं, निश्चित रूप से उन कार्यों को लेकर सबको साथ लेकर के और आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। और आप सब लोगों के लिए 14 मंजूरी रही, जैसा कि आदरणीय पाठक जी ने हम सभी को बताया, पखवाड़े से गोरखपुर जनपद में लगातार प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा सिपाही बरसात हो रही है। ऐसे ही जब माननीय उपेंद्र शुक्ला जी को भारतीय जनता पार्टी ने गोरखपुर संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया, कल उनके नामांकन में अभूतपूर्व कार्यकर्ताओं का जनसहयोग हुआ और कल सायंकाल देर रात्रि में जब डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी को गोरखपुर क्षेत्र का क्षेत्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो आज जो कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला है, हर तरफ कार्यकर्ता होता है, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी एक जरूरी कार्यकर्ता, मुझे भी सौभाग्य मिला है उनके नेतृत्व में कार्य करने का, जब डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी महाराष्ट्र के महामंत्री हुआ करते थे, उस समय मैं किसान योजना के जिला महामंत्री था, बहुत नजदीक थे, उनके नेतृत्व में मैंने कार्य किया, मेरा सौभाग्य रहा पिछले कार्यकाल में उन्हीं के साथ महानगर के नेतृत्व और मैं जिला साथ साथ हम लोगों ने आपको सौंपी है, क्या कहेंगे आप? मैं जो पार्टी ने जिम्मेदारी सौंपी है, मैं अपने प्रदेश नेतृत्व के प्रति और उत्तर प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, और जिस जिम्मेदारी को उन्होंने सौंपा है मैं उसका
सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर निर्वाहन करूंगा और पार्टी को और ताकतवर और मजबूत बनाऊंगा। ऐसे समय पर मेरे ऊपर जिम्मेदारी आई है जब पूज्य मुख्यमंत्री जी के द्वारा रिक्त की हुई सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और एक जमीनी कार्यकर्ता उपेंद्र शुक्ल को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। निश्चित रूप से ऐतिहासिक मतों से जीत करके हम लोग इस सीट को देने वाले हैं और कुछ महाराज जी और प्रदेश को ये तोहफा ऐतिहासिक मतों से देने वाले हैं और मैं सब कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के